मिटते हुए सभी रंजो अलम देख ख्वाजा करम फरमा। देख रहे चल रहा। तो गाइस आज एक बड़ी न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ दरगाह साहब चित्तूर साहब हाजी साहब चित्तूर साहब कल पहुंचे थे। तो गाइज उनके साथ जो मेंटर हुआ, जो माजरा, जो वाकया गुजरा है, शायद आप लोग एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे ऐसा। हम भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसा, और किसी भी उम्मत मुस्लिमा को ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। गाइज वह काफी गलत हुआ है, क्योंकि वो अजमेर शरीफ दरगाह गए थे एज ए फातिहा पढ़ने के लिए। आप गरीब नमाज के चाहने वाले हैं, हम सब हैं, तो बस उनमें से वो भी एक हैं। तो वो गए थे मतलब फातिहा पढ़ने के लिए, और वहां का एक मुजाबिर है, बोले तो खादिम है, अजमल चिश्ती, तो उन्होंने उनके साथ रोका, मतलब वो उनको दुआ दे रहे थे सर पे हाथ रख के, जैसे कैसे होता वहां पे, ये क्या बोलते हैं, अल्लाह बाबा तुमको ये कर दे वो कर दे। साहब चित्तूर साहब को बहुत बुरी लगी, तो वो अपने सर से हाथ हटा दिए, मतलब उनका जो हाथ था अपने सर से हटा रहे थे, बार बार हटा रहे थे। तो ये सब चीजें कब खत्म होगी भाई? आप लाख हो, वहां के मुजाबिर हो, आपके वहां के ये क्या बोलते हैं खादिम हो, तो ये सब चीजें कब खत्म होगी? हर दरगाह में ये देखने को मिलता है गाइस। हमारे साथ ये करते हो और लोगों के साथ ये करते हो, वो चल जाता है क्योंकि वो वीडियो वायरल नहीं होती है। अगर मगर ये तो साहब चित्तूर है ना, इनका एक एक पल एक एक कदम हर चीज का अपडेट लोगों तक जा रहा है। तो गाइस मैं चाह रहा था कि पहले आप वो क्लिप देख लें, वो वीडियो देख लें, और उसके बाद फिर रियलाइजेशन का उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, जो अजमल चिश्ती साहब है वो रियलाइजेशन माफी का वीडियो उन्होंने अपलोड किया, उनको भी मैं आपके साथ पेश करूंगा रखूंगा। तो ये पहले वीडियो देख लो गाइस। मिटते हुए सभी रंजो अलम देख ख्वाजा करम फरमाइए मौला, इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी, अब ख्वाजा करम करेंगे। मौला सब मुश्किल आसान करेंगे, यह दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मकड़ है इधर, समझा, ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं, दुआ करो नहीं तो जा इधर से, मुझे तेरा चलो आजा बेटा आजा भाग जाए यहाँ से चल। इधर कम है विलास भाई, इधर कम है गाना, इधर कम है नहीं देखा, कम है कम है, इधर देखा विलास भाई, जैसी भी सहूलियत आप लोग की बोलो, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपको देख के कैसा फील हुआ? बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल गलत लगा। अगर वो अपने सर से हाथ हटा रहे थे तो हटाने देते ना भाई, फिर क्यों आप बोल रहे हो कि आप दुआ कर रहे हैं तो दुआ करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। व्हाट इज दिस यार, ये ख्वाजा आपके सिर्फ हैं क्या, दरगाह सिर्फ आपके हैं क्या? तो आप इनका रियलाइजेशन का भी मतलब माफी नामे का भी वीडियो देख लेगा इस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सलामत रखे गरीब नवाज, अपने तमाम चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रखे। आज फजर के वक्त जब हमने सुना कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए, तो उन्होंने हमारे हाथ को झिड़क दिया या हटा दे या कुछ भी, मतलब वॉट एवर, तो आप उसके साथ क्या ये बिहेवियर करोगे, आप उसको भगाओगे वहां से? तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ हुई, हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं। गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं, और ना ही जिंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक हमारे साथ इस तरीके से पेश आया। तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शॉक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत खा हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं। लेकिन हुजूर ये चीजें आपको सोचनी चाहिए था ना, बाद में रियलाइजेशन से क्या फायदा। और हम बिल्कुल उनके लिए आज भी दुआ करते हैं कि मौला गरीब नवाज नजर करम फरमाए और उनके सफर को आसान फरमाए, क्योंकि मौला कायनात का भी कॉल है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको तस्लीम कर लेने से इज्जत बढ़ती है घटती नहीं है। बेशक मौला लाज रखने वाले हैं और दिलों के हाल बेहतर जानते हैं, हमारे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी ना है, और हम आज भी और अभी भी उसके लिए दुआई करते हैं कि पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह पाक उसके सफर को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम है कि जो गलती हो गई, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, ये वो लंदन जो भी 12-17 जो भी कह रहा है। तो गाइज ऐसे लोगों को, ऐसे मतलब बाबाओं को, ऐसे मतलब खादिमों को बायकॉट करो, बिल्कुल बायकॉट करनी चाहिए।
जो पैसे लेने के लिए, मतलब अपने नाम के लिए, अपने पैसों के लिए वो लोग इस तरह से काम करते हैं। आई स्टैंड विद सैफ चतुर। और आप भी कमेंट में करके बताना क्या है नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देख कैसी लगी प्लीज बताना गाइस। अजमल चिश्ती का ये बिहेवियर कैसा लगा वो भी बताना, प्लीज कमेंट करके बताना। व्हाट इज, भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जहां तक तो शेयर करें सब्सक्राइब करें गाइस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।